लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि लॉकडाउन में बंगाल में करीब लोगों की हालत काफी गंभीर, वहां आम जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं कांग्रेस द्वारा मंदिरों के खजाने खोलने वाले बयान पर सोनिया गांधी से कहा कि कभी मस्जिद और गिरजाघर वालों से भी दान करने के लिए कहें। लॉकडाउन में अपने घर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को बाईपास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन के साथ कई और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। इसी के चलते आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बाईपास पहुंचे और अपने घर जा रहे मजदूरों को अपने हाथों से भोजन बांटा एवं उन्हें अन्य राहत सामग्री भी दी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो मजदूरों को भड़काना और सड़क पे लाने का काम जिन लोगों ने किया वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, CPM से जुड़े हुए लोग थे। इस देश में मजदूरों को सड़क पर लाकर भड़काने का जो काम किया वो कांग्रेस ने और CPM के लोगों ने किया। अचानक हुआ, उसके बाद सारे देश में मजदूरों की सेवा की जा रही है। मैंने अभी आंध्र प्रदेश में 2 ट्रक की व्यवस्था की है, वहाँ बंगाल की सरकार नहीं कर रही, उनको भेजा। कल बंगाल की 4 बसों को हमने भेजा, आने वाले समय में बंगाल के 4,000 मजदूर हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके अभी खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। 4,000 बंगाल के मजदूर हैं यहाँ पर, राजस्थान के कम से कम 6,000 मजदूर हैं, उनकी सबकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, उनके जाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।